बाल इतने चमकदार और लंबे हो जाएंगे कि आप खुद हैरान रह जाओगे इस घर के बने शैम्पू के इस्तेमाल से। हम में से कुछ महिलाएं इतनी ज़्यादा बिजी हैं अपनी गृहस्थ जीवन में कि वो केमिकल्स वाले प्रोडक्ट्स पर ही निर्भर हैं। वो केमिकल वाले शैम्पू हों, फिर चाहे वो केमिकल युक्त तेल या कोई भी प्रोडक्ट हो, लेकिन आज से कुछ साल पहले महिलाएं अपने बालों को मजबूत बनाने के लिए और ज़्यादा लंबा और घना बनाने के लिए आयुर्वेदिक तरीकों पे ही बिलीव करती थी। तो चलिए आज हम आपको लेके चलते हैं कुछ साल पहले वाली लाइफ में और तैयार करते हैं एक बढ़िया सा शैम्पू जो आपके बालों को ना सिर्फ शाइनी बनाएगा बल्कि हेयर ग्रोथ को बहुत तेजी से बढ़ाएगा। इसके लिए हमें चाहिए शीका काई, आंवला पाउडर, रीठा और मेथी दाना। अगर आपके पास आंवला सूखे हुए रखे हैं या आप फ्रेश आंवला भी लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। यहाँ मैं आंवले का पाउडर यूज कर रही हूँ। शीका काई आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ये आपके बालों को चमकदार बनाता है, शाइनी बनाता है, डैंड्रफ दूर करता है। रीठा आपके बालों में नए बालों को उगाने के लिए बहुत ज़्यादा सहायक होता है। मेथी दाना आपके बालों को मजबूत बनाता है और आंवला आपके बालों को शाइनी बनाता है, काला बनाता है। सबसे पहले आपको लेना है पानी, उसमें ये सारे इन्ग्रीडियंट आपको डाल देने हैं और इसको बॉयल करना है 10 से 15 मिनट तक। जब तक सारे इन्ग्रीडियंट इस पानी में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और सारे इंग्रेडिएंट प्रॉपर सॉफ्ट हो जाएंगे, इसके बाद आपको इन सारे इंग्रेडिएंट को छान लेना है, यानी कि इसका पानी अलग कर लीजिए और सारे इंग्रेडिएंट अलग कर लीजिए। पानी को आपको फेंकना नहीं है, इसको अलग रख लीजिए। फिर उसके बाद आपको करना क्या है, आपको इसमें जो भी गुठलियां वगैरह हैं शीका काई में या रीठा में, वो आपको हाथ से ऐसे निकाल देनी है जैसे मैं दिखा रही हूं, क्योंकि ये प्रॉपर सॉफ्ट हो चुके हैं तो इजीली ये निकल जाएंगे। अब इन सारे इंग्रेडिएंट को आपको मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेना है। अगर आपको थोड़ी पानी की ज़रूरत यहाँ पे लग रही है तो जो पानी आपने साइड में रखा था उसमें से थोड़ा सा पानी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, पूरा पानी मत ऐड करिएगा। जब ये अच्छे तरीके से पिस जाए उसके बाद जो पानी आपने साइड में रखा था उसमें इन सब प्रॉपर पेस्ट को आपको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसको आप छान लीजिए ताकि इसका जितना भी मोटा मोटा पार्ट है वो अलग हो सके, ताकि ये आपके बालों में ना फंसे और एक बहुत बढ़िया सा ये शैम्पू तैयार हो सके। यहाँ पर देखिए मैंने इसको छान लिया है। अब बारी आती है इसको एक बॉटल में ट्रांसफ़र करने की, ताकि आप इसको अपने बाथरूम में इजीली यूज़ कर पाएँ। इसको यहाँ मैंने बॉटल में ट्रांसफ़र कर दिया है और आप इसको कई दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। चाहे तो आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, नहीं भी रखेंगे तो भी चलेगा। और यहाँ मैं आपको देखिए थोड़ा सा इसका डेमो करके दिखाती हूँ कितने बढ़िया ये झाग दे रहा है। इस तरीके से ये झाग देता है जैसे कि आपका बाजार वाला शैम्पू। यहाँ मैं अप्लाई करके भी आपको दिखा रही हूँ, ये बिल्कुल उसी तरीके के झाग देने वाला है जैसा आपका बाजार का शैम्पू झाग देता है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ यहाँ पर एक हेयर रिंस की रेमेडी। इस हेयर रिंस के इस्तेमाल से आपका हेयर ग्रोथ को और ज़्यादा तरीके से बूस्ट मिलेगा और आपका हेयर ग्रोथ प्रॉपर तरीके से हो सकेगा और साथ ही साथ आपके बालों की क्वालिटी भी बहुत अच्छी हो जाएगी। पानी को बॉईल कर लीजिए, उसके बाद आपको चाहिए तेज़पात का पत्ता। तेज़पात का पत्ता आपके बालों में जो भी इन्फेक्शन हो रहा होता है ये उसको अच्छे से ट्रीट करता है, डैंड्रफ की समस्या को दूर करता है और साथ ही साथ आपके बालों को स्मूथ बनाता है। फिर मैं ले रही हूँ थोड़ी सी लौंगे, वो भी इसमें मैं ऐड कर दूंगी। लौंग भी आपके बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है और थोड़ी सी कलौंजी भी हम इसमें डाल देंगे। ये आपके बालों को नेचुरली शाइनी और काला बनाती है। और फिर ऐड करना है आपको थोड़ी सी दालचीनी। ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट आपके बालों के लिए इतना रामबाण साबित होंगे कि आप खुद हैरान रह जाओगे। उसके बाद इसमें आपको ऐड करना है एक चम्मच हिबिस्कस पाउडर। हिबिस्कस पाउडर तो आप जानते ही हो बालों के लिए कितना ज़्यादा गुणकारी होता है। आप चाहें तो यहाँ पे हिबिस्कस के फ्लावर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे पाउडर ही यूज़ किया है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे मेथी दाना पाउडर और इन सब इंग्रेडिएंट को प्रॉपर मिक्स कर देंगे। 10 से 15 मिनट तक लो फ्लेम पे इसको बॉईल कर लेंगे। जब अच्छे तरीके से ये बॉईल हो जाए, थोड़ा सा इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए, तो उसको यहाँ पे हम छान लेंगे। छानने के बाद जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए, बस ये बिल्कुल रेडी है आपके बालों में अप्लाई करने के लिए। अपने बालों की जड़ों में इसको कॉटन की सहायता से आप लगाइए ताकि आपकी जड़ों में ये अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। टिप्स पे भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, पूरे बालों में भी अप्लाई कर सकते हैं। और अच्छे तरीके से अपने बालों को इस पानी के साथ भिगो के आपको प्रॉपर मसाज करना है। और चाहें तो आप इसको ईजी बनाने के लिए आप स्प्रे बॉटल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, अपने बालों में इससे आप स्प्रे भी कर सकते हैं। जैसे आपको ईजी लगता है आप इसको वैसे इस्तेमाल करिए। ये दोनों ट्रीटमेंट आपके बालों के लिए रामबाण हैं।